हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सूजी के वेजिटेबल कटलेट बनाने जा रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए देखिए कि हम किस तरह से बनाते हैं। इन्हें हम ब्रेकफास्ट में, इवनिंग टी के टाइम कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली है। सूजी को सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे, हल्की सी भून लेंगे। इसमें हम घी तेल का कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे भूनते टाइम, ऐसे ही हमें ड्राई भूननी है। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी भून सकते हैं। अब इसका कलर चेंज हो गया है, हल्की सी भुन गई है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। अब सूजी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले मसाले डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। कोई भी मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 टेबल स्पून सेज़वान सॉस डाल रही हूँ, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच सूखा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च कट करके डालेंगे। अब हम इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। मैं इसमें टमाटर और शिमला मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, प्याज, गाजर, गोभी, कोई भी वेजिटेबल अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अभी हम बाइंडिंग के लिए आलू डालेंगे। ये मैंने उबले हुए आलू को क्रश करके रखा था। इन्हें डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सबका डो तैयार कर लेंगे। इसमें हमें पानी की या फिर किसी और चीज़ को डालने की आवश्यकता नहीं है, इसी में ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अब ये सूजी का डो हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। 5 मिनट के लिए इसे हम ढक के रख देंगे जिससे कि सेट हो जाए। 5 मिनट हो गई हैं। हाथ पर थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे और इसे एक बार फिर से मसल लेंगे। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। छोटे बड़े जैसे भी आप चाहते हैं, ये किसी भी शेप में बनाना चाहते हैं उस शेप में बना लेंगे। मैंने ये गोल बनाए हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक हम कटलेट बना लेंगे। इसी तरह से बाकी के भी बना लेंगे। अब हम एक एक करके डालेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर अलट पलट करते हुए इन्हें हम सेक लेंगे। इन्हें हम बीच बीच में अलट पलट करते रहेंगे और जब ये बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इन्हें हम बाहर निकालेंगे। इन्हें हम ब्रेकफास्ट में, इवनिंग टी के टाइम कभी भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इन्हें हम सॉस, चटनी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अब ये मैंने बाकी के भी कटलेट बनाकर तैयार कर लिए हैं। इन्हें इसी तरह से अलट पलट करते हुए सेकना है गोल्डन होने तक। अब ये सिक गए हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरह से सेक लेंगे और इन्हें हम सॉस, चटनी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अब ये हमारे वेजिटेबल सूजी के कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं।
थैंक यू।